नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी और खास खबरों पे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की अगली सुनवाई आज होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख दी। बीकानेर में RTI के तहत निजी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संशोधित दस्तावेजों की जांच के लिए पूर्व में घोषित सत्यापन तिथि में बढ़ोतरी की गई है। अब संबंधित CBEO दस्तावेजों की जांच आज यानी 6 जून तक होगी। पटना में हर साल की तरह इस साल भी केंद्र द्वारा ग्रीष्मावकाश रुचि शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष केंद्र द्वारा शिविर के प्रथम चरण का आयोजन 20 मई से 26 जून तक किया जा रहा है। इस रुचि शिविर में कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों को विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रज्वल रेवन्ना आज यानी कि 6 जून तक SIT की कस्टडी में है। बेंगलुरु कोर्ट ने 31 मई को उसे 6 दिन की SIT की कस्टडी में भेजा था। प्रज्वल 30 मई की रात 35 दिन बाद जर्मनी से भारत लौटा था। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिष गणना के मुताबिक आज वट सावित्री का व्रत और शनि जयंती का पर्व एक साथ मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। वहीं शनि जयंती को लेकर मान्यता है कि जो लोग इस दिन पर शनि देव का पूजन करते हैं उन्हें शनि की महादशा से मुक्ति मिल सकती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का प्रतीक शीतल षष्ठी त्योहार नजदीक आ रहा है और संबलपुर के निवासियों में भी उत्साह है, जो भीषण गर्मी के बावजूद इस अवसर के लिए उत्साह पूर्वक तैयारी कर रहे हैं। उड़ीसा, पड़ोसी राज्यों और दूसरे देशों से करीब 7,000 कलाकारों को एक हफ्ते तक चलने वाले इस सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। इस उत्सव के लिए अन्य अनुष्ठान आज से शुरू होंगे, जबकि भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती का दिव्य विवाह 10 जून को होगा। हल्द्वानी के तराई भाबर में जलस्तर को बढ़ाने एवं विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए धरातली प्रयास शुरू हो गए हैं, जिसके तहत भीमताल में प्रस्तावित जमरानी बांध निर्माण मोटर मार्ग में 1980 के दशक में बने पुल का बांध निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व लोड टेस्ट कराए जाने हेतु उक्त मार्ग को दिनांक 8 से 9 जून तक मात्र 4 दिवस के लिए आवागमन हेतु बंद किया गया है। वीवो का फोल्डेबल फोन आ रहा है। फोन के कई फीचर्स पहले ही सामने आ चुके हैं। इस फोन में 100 वॉट की फ्लैश चार्जिंग और एमोल्ड स्क्रीन मिलती है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आज से मौसम अचानक बदल जाएगा। एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इससे पूर्वी राजस्थान के जिलों में आंधी चलने के साथ साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव आज नालंदा आएंगे। वे खुला विश्वविद्यालय नालंदा में आयोजित धर्म संस्कृति संगम कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1674 में शिवाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ, साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। आज ही के दिन 1930 में सुनील दत्त हिंदी फिल्म अभिनेता का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1967 में इजरायली सेना ने गाजा पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान खालिस्तान आंदोलन के नेता जर्नैल सिंह भिंडारेवाला की मृत्यु हुई थी। आज ही के दिन 1999 में भारतीय टेनिस जोड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।